मैं हमेशा यही कहता हूं, एक अच्छा इंसान वो ही है जो इंसानियत की कदर करता है। डेफिनेट जब वो इंसानियत की कदर करेगा तो अपने मजहब का भी एहतराम करेगा, और हम सब पे फर्ज है कि एक दूसरे के मजहब का एहतराम भी करें। मजहब हमको सही रास्ता दिखाता है। बहुत सारी मिसालें हैं एज ए इंसानियत आप पाकिस्तान में देखेंगे। अब्दुल सत्तार एदी की इंसानियत के हवाले के एक बहुत बड़ी हमारे मिसाल पाकिस्तान में, जिसने मजहब से हटकर जो भी खिदमत किए, आज तक उसका जो फाउंडेशन बनी है उस राह पे सही रास्ते पे चल रही है बगैर मजहबी भेद और बात के। इसके अलावा चीपा, इसके अलावा सैलानी वेलफेयर, और इवन आज जहां हम यहां पर आज बैठे हैं, इस्माइली कम्युनिटी का मेजॉरिटी शेयर है यहां पर, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से। बहुत बेपनाह की खिदमात है। मैं हमेशा मिसाल देता हूं हमारे सूबे सिंध की, जो हमारी सूफियों की धरती है, ओलियाओं की धरती है, दरवेशों की धरती है, कोई मजहब भेदभाव वहां पर नहीं है। एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। आप अगर कराची में देखेंगे तो अला वाला चौरंगी आपको कराची में मिलेगी, तो आप थरपाकर में जाएंगे तो मिट्टी में आपको ओम के नाम पे चौराया भी मिलेगा, वही चौरंगी ओम के नाम पे वो मिलेगी। इवन आप लाहौर में आए तो आपको लक्ष्मी चौक मिलेगा। तो ये एक मिसाल है हमारे पाकिस्तान में मजहबी हमाइंगी की, जो हम लोगों के ऊपर सबके फर्ज भी बनता है। वैसे थे चेयरमैन कौमी एथलेटी कमीशन, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने पहली मरतबा आजादाना कौमी एथलेटी कमीशन का वजूद रखा और उसका चेयरमैन अकलेती जो आज मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ उसको इस कमीशन का सरबराह बनाया। मैं फर्ज समझता हूँ कि नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के बारे में जो हमने काम किया है, जो हम खिदमत कर रहे हैं इस पाकिस्तान में, कुछ आपको बताऊँ। त्योहार के प्रोग्राम है, दिवाली है, होली है, ईस्टर है, नौरोज है, ये सब गवर्नमेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी, ये भी तो एक मजहबी हमाइंगी की एक बड़ी मिसाल है। और हम पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको एक हकीकत सच बताता हूँ कि हम सिंध में अगर इफ्तार की पार्टी होती तो हमारे अकलती बरादरी, हमारे कृष्ण बरादरी इफ्तार की पार्टियां वहां रखती हैं, क्योंकि कभी भी सिंध में हमारा मजहबी भेदभाव नहीं रहे। मैरम शरीफ आता है, हम वहां पर, ये आज की नहीं है, सदियों से एक रवायत है, वहां पर मेहनत करते हैं खुदा के लिए, दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लिए। आज तक ये मिसालें हैं हमारी, मैरम शरीफ हम जाके वहां पर भी जाते हैं, तो ये सदियों से मिसाल है मतलब ये हमारी की पाकिस्तान में। और इवन हिंदू कम्युनिटी की भी बहुत बड़ी मिसाल है। आप कराची में आए, जब कॉलेजेस, डीजे साइंस कॉलेजेस, मेथाराम हॉस्पिटल्स, तो ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं थी, ये इंसानियत के लिए खुली हुई है। जिस तरीके से मैंने पहले मिसाल दिया कि इस्माइली कम्युनिटी की आगा खान की बड़ी मिसाल है, या पारसी कम्युनिटी की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, भाई कम्युनिटी की बहुत बड़ी एजुकेशन के हवाले से, तो ये सब एक कम्युनिटी वाइज नहीं है पाकिस्तान में, ये एक इंसानियत के लिए, ये सबके लिए रास्ते, सबके लिए ये दरवाजे खुले हुए। आज इस चीज की जरूरत भी समझता हूँ कि हम सब के ऊपर एज ए पाकिस्तानी फर्ज भी है, हम मजहबी हमाइंगी को बढ़ाएं, आप में भाईचारा, आप में मोहब्बत, सब में मिलजुल कर रहे। मेरे को बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में आते हुए, कल मैं हुजा की तरफ गया था, तो आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और खलूस, और मैं तो समझता हूँ कि ये जन्नत जैसी धरती है, कुदरत जैसे ऐसे नज़ारे देख के बड़ा दिल खुश हो गया है। पाकिस्तानी काफ़ी सारे दुनिया के सफर में जाते हैं, बार बार मुल्क जाते हैं, बड़े बड़े इखराजात करके आते हैं, मगर मैं उनको आज पैगाम दूंगा कि ये नज़ारे
किसी दुनिया से कम नहीं है। जन्नत की नजारे ये जो आप जो पड़ोसान उमदा के नजारे माशाल्लाह, इस मरतबा महंगाई भी उरूज पे है और एज ए पाकिस्तान हम सब ने फर्ज में शामिल है कि यहाँ इस धरती पे आए, यहाँ इन भाइयों के साथ बैठे, इनसे भी मिलजुल कर इनके भी मामला को अपने मामला समझे और इसकी सेहत जो है इनको भी हम आगे दुनिया लेवल पे बताएं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ढेर बड़े अच्छे आबशार, अच्छे अच्छे माउंटेन, इतनी खूबसूरत नज़ारे, दिल देखकर बड़ा खुश हो गया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब भाइयों का। थैंक यू वेरी मच।